हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। और हम सब जा रहे हैं, ये देख सकते हैं हमारे बगल में एक छपरी यूट्यूबर बैठे हुए सस्ता ब्लॉग है। जिनका यूट्यूब का यूट्यूब चैनल कौन सा है तेरा? दिलीप नाम क्या? दिलीप साथे सस्ता ब्लॉग। लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गो एंड बिग एक्साइटमेंट इनका। हमारा नेक्स्ट वीडियो है और हमारा लंच देख सकते हैं। लंच अभी ये खाने के बाद में और देख सकते हैं अकेले अकेले खा रहे हैं। हमने हमने पूछा भी था क्या बोली आगे दिखाना। देख सकते हैं यहाँ पे खेलने के लिए काफी अच्छा गार्डन है। हाँ, मैं तो खेलती भी हूँ। यहाँ फाइव आ रहे हैं, मैं भी उसमें देख सकते हैं। हम फाइव गार्डन अराउंड पार करने वाले सुनो म्यूजिक चालू हो गया और हम काफी इंजॉय कर रहे थे। अरे बस तो क्या हुआ है? अरे कॉपीराइट आएगा। तो अंकल स्पीकर बंद हो गया। फोटो से चालू है और ये हमारे दोस्त श्रीधरन। श्रीधरन से हाय। अरे गर्ल्स के पीछे काफी बिजी है जो हमें नहीं सुन रहे। और देख सकते Thank you.
चल रहे पहला ब्लॉगर है आपका दिलीप भाई, दूसरा ब्लॉगर है तीसरा ब्लॉगर है सुदीप और मैं हूँ। और और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे हर एक सीट पे सब तीन जामिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आप इनकी खुशी देख सकते हैं। शराबी क्या शराबी, जिसके जिसके हम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। सखी साथी रे सखी साथी, दिलीप पीछे हो, लुट गए समझो शराबी, आज जिसके हम न हो। अरे सालों का लड़की नहीं अच्छी है।
रिया रिया दिलीप दिलीप सर आप किधर आए सर कर सकते आना पड़ेगा कौन और भाई को वेस्ट नो टाइम अभी ओके टाइम अपने मेरी बात कहाँ ढूंढोगे शहर में तुम आदिलाधर दुनिया सोई जाती है आफ्टर पार्टी हो जाती है आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर हेलो ना भाई आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर चलो जाए Okay.
और हम यहाँ से जा रहे हैं पहुँच गए फाइनली पहुँच गए थैंक यू। अरे तू बोलना चाहिए ना इधर से बस हाँ पहुँच गए थैंक यू इन्फॉर्म करने के लिए। तो बस हमारे सर सब हमारे ग्रुप में डिवाइड कर रहे और हमारे ग्रुप लीडर वहाँ पे हम अपने लीडर के पास आ रहे और ये रही हमारी जो हम जहाँ पे इंडस्ट्री विजिटिंग के लिए आए और अब हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट के मतलब फैक्ट्री में जाने वाले हैं। और मेरे भाई कैसे हैं? बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं। और सर हमें बैठने के लिए बोल रहे हैं फिर हम फिलहाल हम खुश नहीं दिख रहे कि सर ने हमें मना कर दिया। यहाँ ब्लॉग बनाना अलाउड नहीं है। चले तो फाइनली हम अभी जा रहे हैं यहाँ पे ये निकल आना चाहिए ग्रुप और देख सकते हैं आप कितना बड़ा गढ़ है फिर भी जम करके आ गई और मैं इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ ताकि आप सभी को वीडियो में दिखा पाओ। और हमें कैसे फाउंडेशन ने पाया जो रिसाइकलिंग प्रोसेस में काम करता है जो इको फ्रेंडली है। ये सूट को आप लोगों ने कैसा कटिंग कर लिया? अलग हो गया ये सोल निकाल दिया। ओके ये सोल को हम लोगों ने फिर कटिंग किया यही सोल है इसके अकॉर्डिंग। ओके ये हमारा सेट में आ गया ये हो गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर से ना हम लोगों ने इन शॉक निकाला अभी देखा ये प्रोसेस हो रहा है ये कटिंग होता है ये कटिंग क्या होता है ऐसा ऊपर से ये टच किया ये कंडीशन में आ गया आ गया पूरा रेडी हो गया था ये कंडीशन में आ गया थोड़ा 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 ज़्यादा लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई है तो देख सकते हो सुगा कैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो सर ये इंसोल होता है क्या होता है इंसोल वो स्टेप उधर रेडी है ना जो वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये हो गया। उसके बाद में हमारा ये स्टेप इसके अंदर डाल दिया परमात्मा डालते हैं जो भी साइज का रहेगा उसके हिसाब से फर्मा रहता है। ओके इसको ऐसा लास्ट फिट करना इसको क्या बोल लास्ट उसके बाद में ये पेस्ट हो जाता है आप देख सकते हैं कितनी सारी हमारी प्रोसेसिंग चलती रहती है। सो आप सारे हमें कुछ नया बताने वाले
उधर से वो कंडीशन में आया इधर ये आ गया है ठीक है। इसके ऊपर क्या लग रहा है इन ठीक है, देखो सब लोग देख लो इसके ऊपर क्या लगाया अभी ब्लू लगाया ठीक है। एक मछली का ये इसका नीचे वाला पार्ट कटिंग किया था ना उधर ये इसका इसके ऊपर भी ग्लू लगाया ठीक है। ये दोनों ग्लू लगा के इधर पहुंच गया। अभी तुम लोग है ना सब ऐसा इधर से अगर निकल सकते हो ना तो चारों तरफ से देखो ये हिटिंग में जाता है हीटिंग प्रोसेस चालू है। हीटिंग इसमें गर्म है ये हीटिंग में डाला है तो ग्लू हीट हो गया ओके देन उसके बाद में पेस्ट किया और फिर मशीन के अंदर डाल के प्रेशर कर दिया ताकि चिपक जाए फुल पकड़ लेता है। आप देख सकते हैं कैसे रिसाइकलिंग किया जाता है स्टील का। देख सकते हैं आप कैसे पॉलिशिंग पॉलिश किया जाता है पॉलिशिंग फिनिशिंग लेवल हो रहा है लेवलिंग का लेवल हो गया ये लेवल सॉरी लेवल होके आ गया ऐसा साइज तो पहन के चल के दिखाओ सबको जिसको आ सकता है आ जाएगा जिसको भी आ सकता है पहन के मत ये साइड साइड और देख सकते हैं रिसाइकलिंग स्लीपर काफी अच्छे है सो कंफर्टेबल भी दिख रहे हैं सो एक आप ये स्कूल के जो बच्चे हैं ना जैसे जहाँ पे जरूरत है वहाँ के लिए सारी चीजें तैयार हैं। अभी वो चीज आपको बताई ठीक है समझ गए ना ऐसे ही है बैग जो इसका जूते का भी लेस निकाले थे ना वो लेस करके ये रेडी हो गया ये कपड़ा है तो जो भी कपड़ा है जो आप लोग पहने ना ये सब कपड़ा है ये जैसे जो शर्ट का दिख रहा है वो कोई दूसरा बच्चे का नहीं होता है तो ये सब उसी कपड़े को लेके ये रहेगी और इसकी कैपेसिटी कम से कम 1 साल तक रहेगी और वजन भी जितना इसके अंदर आ सकता है उतना डाल के यूज कर सकते हैं ठीक है। समझ आ गया इधर हमें कुछ दिखाने वाले ये जो भी प्रोडक्ट होगा ना यहाँ सब दिखने देखने में यहाँ पे देखते हैं फिनिश गुड्स रखा हुआ है डिस्प्ले शो रेडी नहीं है ओके ओके यहाँ पे गुड मॉर्निंग मैम सावंत एंड आई एक्चुअली हैंडल सीएसआर एंड मार्केटिंग इन ग्रीनवुड। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं ये बैग है ये मैट है ये मास्क और ये स्लिपर्स है जो अपसाइकल है। तो ये सारे प्रोडक्ट स्लिपर्स आर रिफर्बिश्ड और ये जो है वो सारे अपसाइकल प्रोडक्ट्स है। तो ग्रीनवुड का बेसिकली मोटो ये है कि जितना भी वेस्ट है उसको जितना यूटिलाइज कर सकते उतना यूटिलाइज करके फिर रिफर्बिश करके या रिसाइकल करके उनको जो भी रूरल एरिया के चिल्ड्रन जैसे स्लम एरिया में होंगे ऑर्फनेज में होंगे तो उन तक ये सारे प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं। बिकॉज जो फंडिंग हमें कॉर्पोरेट से मिलते हैं जो इंडिविजुअल पर्सन डोनेट करेंगे उनका फंडिंग लेके पूरा ऑपरेशनल कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होके जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो एंड यूजर तक जाएगा मतलब जो भी बच्चे हैं जो जिनको जरूरत है इसकी उन तक ये प्रोडक्ट हम पहुंचाएंगे ओके। तो बैग का कॉस्टिंग आता है 299 मैट का कॉस्टिंग आता है 189 और ये जो स्लिपर्स है उसका अर्लियर इट वॉज 199 बट नाउ इट इज 209 तो 209 में ये स्लिपर हम अभी रिसाइकल कर रहे हैं। 100% जो भी उसका यूटिलाइजेशन कॉस्ट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट आता है उसमें जो भी और जो भी मटेरियल मटेरियल वगैरह जो भी यूटिलाइज होगा उसका सारा कॉस्टिंग इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो फ्री है चिल्ड्रंस के लिए
बट फिर इसके लिए जो फंडिंग आता है वो कॉर्पोरेट हमें रेज करते हैं। तो ये एक्टिविटी हम लोग 5-6 ईयर से अभी कंडक्ट कर रहे हैं। तो टिल नाउ 5 लाख तक के हम लोग ने स्लिपर्स अभी तक डोनेट कर दिए हैं एंड वी आर ट्राइंग टू रेज द नंबर्स। अभी मतलब 10 लाख तक करने हैं हमें टिल 2024। तो प्लीज हेल्प अस टू डोनेट सच अमाउंट। ये आइडिया आपको कैसे आया? ये आइडिया एक्चुअली रेज किया है श्रियांश भंडारी और रमेश धामी इन्होंने। तो रमेश सर दे आर दी मैराथन रनर, तो उनके जो भी फुटवेयर मतलब वो लोग यूज करते थे, बींग रनर आपको पता है कि स्पोर्ट्स शूज कितने महंगे आते हैं, तो जितने भी स्पोर्ट्स शूज वो लोग यूज कर देते थे, तो उसके बाद वो उनका करना क्या है वो उनके सामने क्वेश्चन था। एंड रमेश सर इज लाइक फ्रॉम द बोलते ना कि बहुत छोटे एरिया से आए है वो, तो उनको बहुत ज्यादा ये था कि अगर मैं इतना यूज कर रहा हूँ तो उसका मुझे कुछ तो रिटर्न करना ही है। ये आइडिया रेज किया कि जो भी पुराने फुटवेयर पुराने स्पोर्ट्स शूज है जो भी है उसका जो सोल है वो फिर भी अच्छा होता है, बस अपर खराब हो जाता है बिकॉज अपर फट जाता है कुछ भी होता है। तो ये पुराने सोल उन्होंने मतलब खुद से, तभी जो भी जो आइडिया बनी थी ना उन्होंने खुद से बनाया था। ये लास्टिंग किया उन्होंने खुद ने, ये सोल का कटिंग उन्होंने खुद ने किया था, फिर बाद में ये सारे मशीनरीज ये सारे आइडियाज रेज होके फिर अभी तक वो ग्रीन सोल का रन हो रहा है पूरा आइडिया। तो ये आइडिया उन्होंने रेज किया और श्यान सर और रमेश सर ने मिलके ये ग्रीन सोल का अभी जो भी फाउंडेशन का काम है वो ये को फाउंडर बन के सारा काम कर रहे हैं। So any more questions? ये आप स्लम्स तक कैसे पहुंचाते हैं? स्लम में एरिया एक्चुअली वी हैव अ टीम जो खुद जाके वहाँ चेक करते हैं कि जो एरिया है वो बेसिकली इतना उनको जरूरत है या नहीं है। बिकॉज अगर मैं आप लोगों तक तो अभी पहुंच रही हूँ तो आप लोग मुझे खुद कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि आप लोगों के एरिया में ऐसा स्लम या तो फिर एक ऐसा रूरल एरिया है जहां तक बच्चों को अभी भी बैरफुट ही जा रहे हैं और उनके पास स्लिपर नहीं है, मैट नहीं है, बैग नहीं है, उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप मुझे पहुंचा सकते हैं। मेरा मेल आईडी आप कर लो। तो इसके बाद अगर आप एक बार मुझे कॉन्टेक्ट करते हो, ऐसे ही हमारे कॉन्टेक्ट जनरेट हुए कि हम लोग जितने भी लोगों के पास जा रहे थे ये सब बताने के लिए, तो उतने ही कॉन्टेक्ट रेज होते 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 लोग एक दूसरे को बताने लगे कि ग्रीन सोल एक फाउंडेशन है और वो लोग ऐसे फुटवेयर डोनेट करते हैं। तो ऐसे ही जाके हमारे कॉन्टेक्ट रीच हुए और अभी हमारा ऐसा अच्छा कॉन्टेक्ट है कि जहाँ पे अगर हम लोग एक कोऑर्डिनेटर को फोन कर देते तो वो लोग हमें एटलीस्ट 500 या 1000 तक के बच्चों का डेटा दे देते हैं जहाँ पे सच्ची में ये जरूरत है कि उनको स्लिपर मिलना चाहिए। तो जितने कॉर्पोरेट्स हैं हमारे 60+ कॉर्पोरेट्स के साथ अभी ग्रीन सोल एंगेज है, तो उतने कॉर्पोरेट्स हमें फंडिंग करते हैं एक क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। उनका फंडिंग जैसे ही आता है हम लोग उनको प्रपोजल शेयर कर देते हैं कि हाँ ये एरिया है और यहाँ पे एक्चुअल में नीड है, या तो कॉर्पोरेट दिल्ली साइड का है, गुजरात साइड का है, तो दे विल नॉट प्रेफर टू कम टू मुंबई, तो मुंबई लोकेशन ना प्रेफर करके फिर उनके स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग हम वहाँ पे भी डोनेशन ड्राइव करते हैं। वाइज शेयरिंग प्रपोजल सारे डिटेल्स जाते हैं उनको, उसके बाद भी जो भी प्रोडक्ट बनने के बाद जो डोनेशन ड्राइव का डे होता है उस ड्राइव पे हम उनको इनवाइट करते हैं जस्ट टू एक्सपीरियंस और द फील कि वो जो उन्होंने ओल्ड फुटवेयर दिए थे उनके एम्प्लॉयज ने या तो फिर उन्होंने कलेक्ट किए थे वो फुटवेयर अभी यहाँ पे रिसाइकल होके एक बच्चों तक जा रहे हैं और उसके लिए उनके कंपनी ने उनको जो कॉस्टिंग पे किया था, तो वो एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है उनके लिए। तो वो डे पे वो आते हैं, बच्चों को खुद चप्पल पहनाते हैं, उनके साथ एक 1-2 आवर्स स्पेंड कर देते हैं, तो उससे उनको एक उनका भी अवेयरनेस बढ़ता है कि हाँ एक ग्रीन सोल का सोशल इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल की तरह एक एक्टिविटी हो रहा है जो अभी भी यूजफुल है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हमें फंडिंग मिल सके, क्योंकि जितना फंडिंग मिलेगा हम उतना ही आगे रेज होते जाएंगे। अदरवाइज हमारे भी एक टर्म्स है क्योंकि बीइंग फाउंडेशन हमारे पास खुद का कुछ फंडिंग होता नहीं है जहाँ पे हम खुद पैसे डाले या खुद करें, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जितने ज्यादा कॉर्पोरेट से हम कनेक्ट कर सके। आप लोगों के पास अगर ऐसा कोई एरिया होता है जहाँ पे अगर आप एक बॉक्स रख सकते हैं, वहां पे एक फ्लायर लगा दो ग्रीन सोल का और वहां पे अगर ईयरली बेसिस पे अगर फुटवेयर कलेक्ट कर लेते हो, मतलब जो भी ओल्ड फुटवेयर स्टफ है वहां पे, फिर वो आपका एड्रेस हमारे वेबसाइट पे जाएगा, कलेक्शन सेंटर के नाम पे आपका जो वो एरिया या जो बॉक्स है वहां पे फुटवेयर डंप होते जाएंगे और फुटवेयर जैसे ही ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे वो ग्रीन सोल वहां से ले लेगा। बिकॉज हमारा मोटो सिर्फ यही नहीं है कि
मतलब बच्चों तक एक स्लिपर पहुंचाना, बट ये भी है कि जो भी ओल्ड स्टफ है जो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं उसी ओल्ड स्टफ को यूज करके कुछ ना कुछ करना है। मतलब 80-90% हम लोग मतलब रिसाइकल में अभी यूज कर रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग की एज मच एज वी कैन डू, तो जितना भी हम कर रहे हैं उसके लिए हमें ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, तो इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ डोनेशन। तो ये हमारे मोटो है, जो आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो हम और आगे जाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन? योर मेल आई डी CSR@ greensoul.in। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रीनसोल फाउंडेशन की तरफ से सबको स्नैक्स दिया गया है। स्नैक्स तो खाली हो गया हर। ये से थैंक्स टू ग्रीनसोल फाउंडेशन। ये थैंक यू तो बोलो ग्रीनसोल फाउंडेशन को। 150 रुपए लिए बोल रहे कि कब से तू हाथ से थैंक यू तो हाथ को दुकान नहीं गया। थैंक यू बोल रहे वी आर थैंकफुल फॉर ग्रीनसोल फाउंडेशन फॉर टेस्टी स्नैक्स। ओके ग्रीनसोल फाउंडेशन के अंदर से वापस आए और फाइनली हम अपने कॉलेज की तरफ प्रस्थान करने वाले। और दो ऊपर से हाय बोलियो। ए पार्सल ले, पार्सल नॉट अलाउड। और देख सकते हैं आप पार्सल लेके जाते हुए। अरे अपना 150 रुपए काफी अच्छे से वसूली कर रहे हैं। और देख सकते हैं हम बस अब अपने बस में चढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था यहाँ पे। ग्रीनसोल फाउंडेशन को हम थैंक्स बोलते हैं। तो ये काफी अच्छा वर्क है रिसाइकलिंग प्रोसेस। बाय उधर दिखा वो लोग जुगाड़। बाय बाय। ए देख सकते हैं आप लाइन कितनी लंबी लगी है। ये लोकल बस कह रहे ये आरटी मैम बोलती है ये बच्चा सीधा नहीं गया इसके पास था।